ये सर आज जैसे रात को मतलब इन्होंने ऑपरेशन थिएटर के लिए ले गए, पहले तो सर मेरी बीवी को एडमिट नहीं कर रहे थे, बोला कि आपको एडमिट की डेट नहीं देंगे। तो उसके बाद जब मैंने दूसरे तीसरे दिन आया फिर दोबारा मेरी फाइल चेक नहीं कर रहे थे, हालांकि मेरी वाइफ सबसे पहले खड़ी थी फर्स्ट नंबर पे। तो उसके बाद ले गए ऑपरेशन थिएटर एक बजे के आसपास। तो जब ऑपरेशन चला तो डॉक्टर साहब ऑपरेशन करते गए, 4:45 हो गए, 4:45 बजे तक ऑपरेशन ख़त्म नहीं हुआ। बीच में डॉक्टर साहब एक बार बाहर भी निकले और मेरे से बात हुई, मेरे को कहा कि आपकी वाइफ का जो पीत की थैली निकाली हुई है उसके साथ कोई नस कट गई है और उन्होंने जानबूझ के वो नस काटी। 27 तारीख को, हाँ, क्योंकि वो पहले एडमिट नहीं कर रहे थे ऑपरेशन के दिन, वो पहले ही मतलब ऐसे लारे लपे लगा रहे थे और उन्होंने मेरे को, मैंने देख लिया कि उन्होंने जानबूझ के वाइफ की वो नस काट दी। उन्होंने 2 दिन बाद बताया हमारे को जब ऑपरेशन हो गया। हाँ, उसके बाद फिर वो अंदर चले गए, फिर ऑपरेशन बस मेरे से सामान मंगवाते गए, मैं लेके जाता गया उधर, बोलते ये सामान लाओ ये लाओ। 4:45 हो गए, 4:45 बजे फिर मेरी डॉक्टर साहब बाहर निकले, बोलते ऑपरेशन तो हमने कर दिया लेकिन आपको बोलते शिमला ले जाना पड़ेगा इनको, मैं शिमला के लिए रेफर कर देता हूँ और शिमला में MIR होने। तो फिर मैंने बोला डॉक्टर साहब कोई मेजर कोई क्रिटिकल है क्या प्रॉब्लम है, बोलते नहीं नहीं इसको मैं वो सिलाई वगैरह कर दिया, बोलते तो आपने ऐसा करना है कि इसको वहाँ शिमला ले जाना और इसको ऑक्सीजन लगा के भेजेंगे यहाँ से, और कुछ बोटल्स भी थी ORS की, कोई NS की, पता नहीं कौन कौन सी बोटल दे दिए और कम से कम 7-8 पाइपें डाल दी मेरी वाइफ को। और फिर बाद में फिर बोला उन्होंने कि ऐसा है इनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है और इनके लिए एक एक्स्ट्रा पाइप और सांस के लिए डालते हैं आर्टिफिशियल पाइप, और आपने उसको ब्लैडर होता है उसको पंपिंग करते रहना रास्ते में, तो वो पाइप डाल दी उन्होंने। फिर जब मैंने देखा बाहर निकाला ऑपरेशन थिएटर से बाड में ले गए, तो मेरी बीबी को मार दिया था उसने, मतलब गलत ऑपरेशन कर दिया था उसने, मेरी बीबी को मार दिया था अंदर। वो तो उसने भाने के लिए हमारा दिल रखने के लिए बोला कि आपकी बीबी का ऑपरेशन आप ऐसा करो एम्बुलेंस करो, एम्बुलेंस लेके मैंने शिमला डॉक्टर कुलदीप से बात कर दी है तो MIR कराएंगे वो आपको जाते ही ले लेंगे। फिर मैं बोलता रहा, मैं अगर डॉक्टर साहब ठीक है देख लो एक बार फिर से देख लो, लेकिन मेरी बीवी सांस नहीं ले रही थी, उसको आर्टिफिशियल सांस दिया था। और जैसे ही हमने नीचे से बाढ़ से नीचे ले गए एम्बुलेंस तक, तो एम्बुलेंस के पास जब पहुंचाया उसको अंदर डाला, एम्बुलेंस से कम से 200 मीटर के आसपास मैं, मेरा क्वार्टर आता है वहाँ BSNL कॉलोनी है, मैं अपनी बेटी को लेने गया, फिर मैंने बेटी को भी ले जाना था अपने साथ, और पीछे से मेरे बेटे ने फ़ोन कर दिया वहाँ जहाँ एम्बुलेंस खड़ी थी, बोला कि पापा जल्दी आओ एम्बुलेंस वापस करनी है हॉस्पिटल यहीं से, खाली 200 मीटर भी नहीं लेके गए थे, वहीं से वापस कर दी एम्बुलेंस। तो फिर जैसे ही कोई दूसरे डॉक्टर आए उन्होंने नीचे ग्राउंड में ही चेक किया, बोलते कि वो डेड हो गए, डेड कर दिया मेरी बीबी को जी। आज ही सुबह ये मामला सामने आया है, तो सदर थाने से सब इंस्पेक्टर साहब आए थे, फिर उन्होंने मुझे कॉल की कि ऐसा कुछ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अराइज हो रहा है। तो यहाँ जब पहुँचे तो पता चला कि यहाँ पे 27 तारीख को एक महिला को लाया गया था जो ठाकरदास जी, जिन्होंने कंप्लेंट दी उनकी धर्मपत्नी जी को, उनकी उम्र 42 वर्ष है, तो उनको पथरी की प्रॉब्लम थी, तो पिछले एक महीने से यहाँ पे वो इलाज करा रहे थे। तो 27 तारीख को उनका ऑपरेशन हुआ था यहाँ पे पथरी का, उसके बाद ये यहीं पे एडमिट थे, और 28 तारीख को इनको जब अल्ट्रासाउंड के लिए भेजा गया तो ये अल्ट्रासाउंड कुल्लू वाली हॉस्पिटल में हुआ। उसके बाद जब वहाँ से रिपोर्ट आई तो उसमें कुछ इन्फेक्शन पाया गया था, तो उस रिपोर्ट को मद्देनज़र रखते हुए डॉक्टर साहब ने एक और ऑपरेशन किया। तो उस ऑपरेशन में उसके बाद इनको सुबह 4:45 बजे रेफ़र किया गया, और रेफ़र जब किया तो उसके बाद इनकी रास्ते में ही दम तोड़ दिया, नेग्लिजेंस का पाया जा रहा है। तो इसके लिए जो आगे पुलिस से इन्होंने कंप्लेंट ले ली है, और जो मेन मुद्दा इनका है उसके लिए मेडिकल बोर्ड बिठाया जा रहा है। मेडिकल बोर्ड जो है वो प्रेफरेबली यहाँ RH कुल्लू में ये प्रेफर नहीं कर रहे हैं, तो इनका जब तक पोस्टमार्टम नहीं आएगा तो इंक्वायरी उसके बाद ही हो पाएगी, अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद इंक्वायरी होगी।
पोस्टमार्टम में इन्होंने हमें रिटर्न में दिया है कि ये पोस्टमार्टम आरएच कुल्लू में नहीं कराना चाहते, तो इन्हीं से आप इसके बाद जो नेक्स्ट हॉस्पिटल है जो बड़ा वो नेर चौक में है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी पोस्टमार्टम नेर चौक में हो पाए। देखिए ये जो दुखद घटना हुई है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है परिवार के लिए और समाज के लिए, और हमारे सारी जिम्मेवारी जो है प्रशासन इसके लिए जिम्मेवार है, जो अस्पताल प्रबंधन है उसके लिए हम बिल्कुल व्यक्तिगत तौर पे और डॉक्टर की तरफ से और पूरे हॉस्पिटल की जो जो टीम इसमें स्टाफ नर्स से लेकर सपोर्ट स्टाफ से लेकर जो भी आदमी पेशेंट की केयर से संबंधित हैं उनकी तरफ से मैं और हम सब उसके लिए जिम्मेवार हैं, और जो भी कानून और नियम के तहत जो भी प्रक्रिया चल रही है बिल्कुल सही दिशा में चल रही है। महिला का जो कोई ऑपरेशन हुआ है पेट का हुआ है और उसके बाद कोई उसमें कॉम्प्लिकेशन डेवलप हुई है तो फिर से उसका ऑपरेशन किया गया है, उसके बाद उसको रेफर किया गया है। हाँ बिल्कुल जो जांच है वो हमने शुरू कर दी है और जो भी इसमें सच और उचित है वो सबको बतलाया जाएगा।